आज हम अकाउंटेंसी में जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री हैं वो करेंगे। ऐसे पहली एंट्री में आपको बताया था जो भी एसेट्स ओनर लगाता है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाती है। फर्म और ओनर दोनों अलग अलग हैं तो फर्म को जो ओनर की कैपिटल है उस पे क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। आपको पता है आप किसी को पैसे देते तो उसको ब्याज लेते हो, तो ये फर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है इसलिए फर्म का क्या होगा? ये एक्सपेंसेस, फर्म के ये खर्चे होंगे और खर्चे होंगे। तो आपको बताया था फर्म पैसे दे रहा है किसी को तो क्या होगा? उसको क्रेडिट करना है, और एक्सपेंसेस है तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। दोबारा समझते हैं, जो फर्म स्टार्टिंग में आपको जर्नल एंट्री बताई थी कि जितना भी हम कैश इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल में चेंज हो जाता है जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये एंट्री रहेगी। जितने भी एसेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैपिटल के अंदर। और आपको एक प्रिंसिपल भी बताया था, फर्म और ओनर दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ओनर ने जितना भी पैसा लगाया है वो फर्म से क्या है, हम कहते हैं ब्याज समेत वो क्या लेगा? वापस लेता है। तो फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फर्म इंटरेस्ट देगा ब्याज देगा तो इसका मतलब उससे कैश जा रहा है, तो वो क्या होंगे? आपके एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ कैपिटल वर्ड क्यों यूज़ किया है कैश की जगह, ये बात याद रखना। जो इंटरेस्ट होता है वो कैश की फॉर्म में पे नहीं करती फर्म, क्यों? जो उसका कैपिटल का बैलेंस होता है उसके अंदर ही ऐड हो जाता है। मान लो किसी ने 1,50,000 रुपीज़ दिए हैं और फर्म उसको 10% इंटरेस्ट पे कर रही है, तो जो इसका इंटरेस्ट बनेगा 15,000 वो फर्म क्या है, नगद पे नहीं करेगी बल्कि इसका बैलेंस में जुड़ जाएगी, और अगले साल इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? 1,65,000। अगले साल फिर हम 1,65,000 पे ही इंटरेस्ट पे करेंगे। इस प्रकार बैलेंस बढ़ता रहता है। ये फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री बताई थी आपको, अगर फर्म कहीं से कोई लोन लेती है, आपको पता है लोन लेगी तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इसकी एंट्री भी सेम होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू लोन अकाउंट, क्योंकि इसमें भी जो इंटरेस्ट है वो कैश में पे नहीं किया जाता, वरना जो लोन का बैलेंस है उसके अंदर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। सेम अमाउंट से ही हम एग्जांपल समझ सकते हैं, 150,000 का लोन लिया है, 10% उस पर इंटरेस्ट है, तो 15,000 क्या है, ऐड हो जाएगा, और अगली बार लोन की अमाउंट 1,65,000 हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड आपको बताया था पर्सनल यूज़ के लिए जब भी ओनर पैसे निकालेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। याद रखना, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालेगा। आपको बताया था फर्म और ओनर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसलिए पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा निकालेगा उसको क्या बोलते हैं? हम ड्राइंग बोलते हैं। और ये ड्राइंग तो इस पे क्या है, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि ओनर ने पैसा निकाला है, तो इसका मतलब ओनर ने पैसा लिया है फर्म से तो वो क्या है, इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि अब फर्म भी क्या है, ओनर से क्या मांगेगी? अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट उससे लेगी। तो ये अपनी क्या होती है? इनकम। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। आपको बताया था क्योंकि उससे पैसा आता है, लेकिन ये नगद नहीं आएगा, ओनली ड्राइंग के बैलेंस में ऐड हो जाएगा, इसलिए क्या एंट्री हो जाएगी? ड्राइंग काउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा,
क्योंकि आपको बता दिया जो ड्राइंग मींस जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है कहाँ से, फर्म से। तो फर्म अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेगी, तो इससे क्या है उसको इनकम होगी और इनकम को हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट। लेकिन हम कैश की फॉर्म में वो नहीं लेते, वो क्या होगा यानी कि ड्राइंग के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। जैसे 150,000 है, 15,000 इंटरेस्ट बन के 165,000 के है ड्राइंग की अमाउंट आ जाएगी। ये तीन एंट्रियाँ हैं जो हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। दोबारा बता देता हूँ, कैपिटल और लोन ये कंपनी के क्या होते हैं दायित्व, क्योंकि कंपनी ने पैसा लिया होता है इसलिए कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एक याद रखना, जो ड्राइंग होती है वो फर्म ने पैसा दे रखा है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ओनर निकाल रहा है इसलिए मतलब फर्म ने उसको पैसा दे रखा है। ये एंट्री हम बार बार समझेंगे, बार बार ड्राइंग वर्ड आपके आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ड्राइंग वर्ड क्या होता है। जो पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी ओनर है, कोई भी पर्सन है, वो पैसा निकालता है फर्म से, उसको ड्राइंग बोला जाता है। और इस पे क्या है इंटरेस्ट फर्म लेती है उससे, तो ये आ जाएगी। फोर्थ एंट्री याद रखना, डेप्रिसिएशन वर्ड आएगा। डेप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे आप मशीन ले आए, आपको पता है मशीन है, इसकी जो लाइफ होती है वो फिक्स होती है, यानी कि एक मशीन है 10 सालों तक चलेगी, तो 10 सालों तक हम मान के चलते हैं कि 10 सालों तक चलेगी। आप एक मशीन ले आए 1 लाख की, तो ये नियम है कि जब 1 लाख की मशीन ले आए आप 1 लाख रुपए खर्चा नहीं दिखा सकते, एक्सपेंसेस में आप क्या नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए नहीं डाल सकते, बल्कि एक्सपेंसेस में कितना जाएगा जिसकी हर साल उसकी वैल्यू जितनी कम होगी। मान लो 1 लाख रुपए की मशीन है, 10 साल वो चलेगी तो कितने की होगी, 10,000। तो हर साल आप कितनी अमाउंट लेस कर सकते हो, 10,000 घटा सकते हो, यानी कि मशीन की जो वैल्यू कम होती है, जो वैल्यू कम होती है। आपको पता है मशीन का आप यूज़ करते रहोगे या कोई भी असेट्स है जो लॉन्ग टाइम के लिए, तो मशीन जितनी भी यूज़ करते हैं, जैसे बाइक है, अगर बाइक का इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको ये बात पता होगी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में आप देखना हर साल जो बाइक की वैल्यू है वो डिसाइड होती है। और बाइक की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, जैसे आपने 50,000 की बाइक ली, उस पे क्या लगता है डेप्रिसिएशन लगता है, मान लो 10% वैल्यू लेस करते हैं तो 5,000 वैल्यू लेस होगी, अगले साल कितने की बाइक रह जाएगी, 45,000 की। इस प्रकार अलग अलग पॉलिसियों के अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट होते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं। तो अब फोर्थ एंट्री में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन है आपका खर्चा है, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा डेबिट। और ये किस पे लगता है, जो आपकी असेट्स है। और असेट्स हमेशा क्या होती है, आपको बताया था जो हमारी असेट्स होती है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये याद रखना। और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उनका क्या होता है क्रेडिट करते हैं हमको। तो असेट्स डेबिट थी, डेबिट तब होती है जब असेट्स बढ़ रही हो, लेकिन यहाँ पे असेट्स क्या हो रही है, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है डेप्रिसिएशन से, इसलिए मशीनरी वर्ड आ जाएगा, जहाँ हम जो भी असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसका नाम आ जाएगा अकाउंट। ये आपकी फोर्थ एंट्री है, यानी कि डेप्रिसिएशन टू मशीन आएगा। फिफ्थ एंट्री में आप करोगे, ये आपकी फोर जो मेन बेसिक एंट्रीज हैं इससे रिलेटेड। और एक एंट्री आप याद रखना, जब भी आपके पास पैसा रिसीव होगा, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको बताया था कैश काउंट DR, अगर आपको किसी ने कम पैसे दिए हैं तो आपको क्या, आप क्या कर रहे हो उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, क्या कर रहे हो डिस्काउंट अलाउड। और जिससे भी पैसे लेने हैं उसका नाम आ जाएगा, जैसे टू राम तो राम आ जाएगा। याद रखना सिंपल है, आपने किसी से पैसा लेना है, आपके पास पैसा आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पैसा आता है तो हमेशा डेबिट, लेकिन हमारे पास पैसा कम आ रहा है तो इसलिए डिस्काउंट। आपने पैसा लेना है तो आप किसी को छूट दे सकते हो तो इसलिए क्या वर्ड यूज़ होगा, अलाउड वर्ड यूज़ होगा, आप छूट दे रहे हो।
और जिससे पैसा लेना है वो नाम आ गया। इसी प्रकार आपने पैसा देना है तो अपोजिट, जिसको पैसा देना है वो ऊपर आ जाएगा। और आपको पता है आपसे पैसा जा रहा है तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या करेंगे, क्रेडिट। और इसमें आपको क्या है, डिस्काउंट मिल रही है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हो तो डिस्काउंट याद रखना। लेकिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रही है इसलिए क्या आ जाएगी, रिसीव, क्योंकि हम किसी को पैसा कम दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट वो मिलेगी। और ये चीज़ ये मैंने, अगर आपको ये कैश के थ्रू नहीं है, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन की जाती है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ भी इस एंट्री में भी बैंक आ जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब दो एंट्री हैं नॉर्मल सी, वो बता रहा हूँ, एक एंट्री कर लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा। बैड डेब्ट्स क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में डूबत ऋण। बैड का मतलब बुरे, डेब्ट होता है जो वो आपका ऋण होता है। तो ऋण मतलब बुरे ऋण, जो आपने पैसा किसी को दे रखा है उससे अगर पैसा वसूल नहीं होता उसको बोलते हैं हम बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट। और जिससे भी हमने पैसा लेना है उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं आ रहा, अगर पैसा आ जाता तो कैश वर्ड आ जाता, पैसा हमारा डूब चुका है तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट आ जाएगा। ये मेन जो जर्नल एंट्रियाँ थी वो हमने करनी है। धीरे धीरे आपको मैं जर्नल एंट्रियाँ बताता रहूँगा और ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। धीरे धीरे मेन फोकस आपने किस पे करना है, जर्नल एंट्री पे करना है। धीरे धीरे जैसे आपको जर्नल एंट्री पता चलती रहेगी, बुक में ये दी हुई है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमें कॉमेंट के जरिए बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, धन्यवाद। आज हम बिजनेस स्टडी में, कल हमने बात की थी सोल ट्रेड के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में, और एक टॉपिक है इसका ज्वाइंट हिंदू फैमिली, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बोलते हैं। सोल ट्रेड, आपको सोल बताया था, सिंगल पर्सन होता है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं को बेचना और खरीदना। इसमें सिंगल पर्सन होता है, और आपको बताया था इसकी मेरिट्स, इजी फॉर्मेशन है, बनाने में आसान है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहती हैं, और डिसीज़न है वो इजीली लिया जाता है, क्योंकि एक पर्सन ने डिसीज़न लेना होता है और वे ले सकता है। डीमेरिट्स क्या होती हैं, इसमें एक मेन ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। अनलिमिटेड का मतलब अगर लॉस होगा तो एक पर्सन को होगा, क्योंकि प्रॉफिट होता है जो वो भी एक पर्सन को होता है, लॉस होता है वो भी एक पर्सन को। और इसकी जो कैपिटल होती है वो लेस होती है, क्योंकि एक पर्सन ही इन्वेस्ट करता है। और दूसरा, एग्जिस्टेंस भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि एक की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद, क्योंकि सिंगल पर्सन ही है तो व्यापार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें टू और मोर पर्सन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन है जो मिलके वो बिजनेस को बनाते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी डिसाइड करते हैं। तीन पॉइंट होते हैं इसमें याद रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करते हैं, मतलब कि वो आपस में कितना हिस्सा बांटेंगे प्रॉफिट का। जैसे 2-1 है, इसका मतलब एक जो तीन हिस्से किए जाएंगे, जिसमें दो हिस्सा एक पर्सन लेगा और एक हिस्सा वो एक पर्सन को दिया जाएगा। इसी प्रकार थर्ड इसमें याद रखना, जो बिजनेस को मैनेज करेगा, संभालेगा, बिजनेस की जो मैनेजमेंट करता है वो 1 पर्सन भी कर सकता है या सारे मिल के कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट हैं जो इसकी डेफिनेशन में कवर होते हैं, जो मेन चीज़ है याद रखना। 2 or more person होते हैं पार्टनरशिप में, और वही पार्टनर कहलाते हैं, और उससे मिलके ही पार्टनरशिप बनती है। प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो को वो आपस में बांटेंगे, अगर कुछ रेशियो नहीं दी होती तो इक्वल होता है, वरना जो रेशियो वो डिसाइड करते हैं आपस में। और जो पार्टनरशिप को मैनेज करेगा वो एक पर्सन भी हो सकता है, और सभी जितने भी पार्टनर हैं वो मिलके भी कर सकते हैं। और जो एक पर्सन होगा वो सभी की तरफ से, यानी कि सभी के बिहाफ पे जो करेगा वो है। इसके जो मेरिट्स हैं, इजी फॉर्मेशन है, बनाना भी आसान है, और कैपिटल आसानी से प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि सोल ट्रेड में जो आपको बताया था सिंगल पर्सन होता है, इसमें 2 or more person होते हैं,
अलग अलग पार्टनरशिप में अलग अलग कंडीशन है, किसी में 10% हो सकते हैं मैक्सिमम, किसी में 20 हो सकते हैं। तो इस प्रकार इनसे पैसा अरेंज हो जाता है और गुडविल का भी हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कई पर्सन होते हैं, कईयों की इमेज बहुत अच्छी होती है, तो गुडविल का भी फ़ायदा मिलता है और प्रॉफिट है वो भी आपस में ये शेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को, अगर लॉस भी होगा तो आपस में शेयर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की ये मेरिट्स थी। अब डीमेरिट्स में आपको बताया अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इसमें भी यही कंसेप्ट है, जो जितने भी पार्टनर होंगे जितना भी लॉस होगा वो आपस में करेंगे, अगर आपस में नहीं करते, अगर मतलब पे नहीं कर पाते अपनी प्रॉपर्टी से, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको भी सेल किया जा सकता है, याद रखना। अगर वैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, अगर पार्टनर हैं वो अपने जो प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो है उसमें ही डिवाइड करेंगे, अगर उससे भी नहीं हो पाता जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उनको सेल करके भी जो जितना भी लॉस हुआ उसको उसको करना पड़ेगा कवर। और इनके पास भी लेस कैपिटल होती है, क्या किसके कंपेयर, कंपनी के कंपेयर, आगे हम कंपनी करेंगे, कंपनी में बहुत सारे पर्सन होते हैं तो वो कर सकते हैं, ये मेन जो इसके हैं। लेकिन हमने पार्टनरशिप में जो करनी है वो पार्टनरशिप डीड आएगी, ये क्वेश्चन मेन है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या है मीनिंग और मैं बता देता हूँ, पार्टनरशिप आपको पता चल गई जब टू और मोर पर्सन जो बिजनेस ज्वाइंट के लिए करते हैं वो पार्टनरशिप आ जाएगा। डीड का मतलब होता है टर्म एंड कंडीशन, कुछ शर्तें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और टर्म एंड कंडीशन में क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन में हम ये बताएंगे कि आगे इसमें बात करें, जैसे जर्नल एंट्री में बात की थी हमने, इंटरेस्ट कितना पे करना है, सैलरी कितनी पे करनी है, कमीशन कितना पे करना है, अगर कोई आपस में झगड़ा आ जाए पार्टीज़ में फिर कैसे, डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट को ऑडिट कैसे करवाना है, ऑडिट का मतलब चेक कैसे करवाना है, ये बहुत से मेन पॉइंट है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर आते हैं। इस पे हम अगली वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे पूरी तरह। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली मतलब ज्वाइंट आपको पता चल गया, आपस में जो जुड़े होते हैं, हिंदू मतलब हिंदू परिवार, फैमिली परिवार हो गया, ये जैसे खानदानी बिजनेस है जो चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बोलते हैं, इसमें जो मेन होता है वो कर्ता होता है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है सभी की, और जैसे ही कोई पर्सन घर में पैदा होता है उसका शेयर मतलब हिस्सा जनरेट हो जाता है, जैसे ही किसी का बर्थ होता है उसका हिस्सा क्या है इस प्रॉपर्टी में जनरेट हो जाता है, और सभी की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और कर्ता है जो मेन होता है, क्यों कर्ता ही इसको मैनेज करता है। इसका मेरिट्स वही इजी फॉर्मेशन होती है, एक स्पेशल नॉलेज हो जाती है, क्यों खानदानी बिजनेस होता है जैसे चलता होता है, एक उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, क्यों बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वो इनको मैनेज करते हैं। डीमेरिट्स वही है, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, ठीक है, और एक आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं कई बार, अगर सभी पर्सन सही चलते आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दो भाई हैं आगे अगर उनमें डिस्प्यूट हो जाए तो वो चीज़, तो ये मेन है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का ही है। और इसमें जो करता है उसके पास पावर होती है, कुछ केस में वो सारी प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस हैं जिनके बाद ये कर सकता है। हमने जो बिजनेस में है ये जो हमारी फॉर्म्स हैं ये बिजनेस की, हमने इस पे ध्यान देना है, इस पे हम जो मेन चीज़ है वो यही करेंगे कि जो इसकी फॉर्म्स हैं ये तीन फॉर्म्स हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसके बाद दो फॉर्म्स रह जाएंगी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और कंपनी है वो कोई वाइड टर्म है, यानी कि ज़्यादा आ जाते हैं उसमें सदस्य भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बिजनेस भी वो क्या है बहुत फैला होता है, तो इसलिए कंपनी है जो इसकी बिजनेस की मेन फॉर्म्स है, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। तो इस प्रकार हम जो कोई भी बिजनेस बना सकते हैं इनमें जो आपको अच्छा लगता है। और आज हम इकोनॉमिक्स में, कल हमने बताया था कलेक्शन ऑफ डाटा है जो सोर्सेज बताए थे, आज हम मेथड्स हैं जो आपको दो मेथड बताए थे, एक सेंसिस मेथड होता है और एक
सैम्पलिंग मेथड होता है। कोई भी जब हम स्टडी करते हैं दो मेथड से कर सकते हैं। हिंदी में इसको जनगणना विधि बोला जाता है, इसको प्रतिदर्श विधि बोलते हैं, इसको जनगणना, और इसको पॉपुलेशन मेथड भी बोलते हैं। पॉपुलेशन नाम से ही है, जैसे आपको बताया था 1000 पर्सन है, तो जब हम स्टडी करेंगे तो जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो 1000 का ही करेंगे। 1000 पर्सन का ही डाटा कलेक्ट करके हम स्टडी करते हैं। इसमें मेन जो डीमेरिट्स है यही है कि टाइम और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसमें जो क्या होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आती है वो एक्यूरेट आती है। जो आपके जो रिज़ल्ट आएंगे उस पर ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं हम। सैम्पलिंग में सैम्पल पता होना चाहिए। सैम्पल क्या होता है? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मतलब 1000 पर्सन है, उसमें से हम 100 जो पर्सन है वो लेंगे, लेकिन ये ऐसे 100 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो 1000 को रिप्रेजेंट करते हों। मतलब जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा होना चाहिए जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं पॉपुलेशन में, वो उसको प्रेजेंट करता हो, तभी डाटा वो एक्यूरेट हो सकता है जो अपना रिजल्ट होगा, वरना हमारा रिजल्ट है जो वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। आज हम बताएंगे सैंपल जो करने के मेथड कौन कौन से हैं, जो EGCM तीन मेथड की डिस्कस करेंगे। एक पहला मेथड है रैंडम मेथड, एक है परपोसिव, और एक है सिस्टेमेटिक। इसमें क्या करेंगे? रैंडम मेथड। रैंडम का मतलब समझना पड़ेगा। रैंडम का मतलब होता है इक्वल चांस। यानी कि जितने भी 1000 पर्सन है इनमें से जो भी आइटम है उसके आने के क्या होते हैं? हमेशा इक्वल चांस होंगे। कोई भी आइटम आ सकती है इसमें, कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम रैंडम मेथड। इसके लिए हम दो मेथड अपना सकते हैं। एक तो है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में हम क्या करेंगे, 1000 के नेम लिख के चिट डाल देंगे, बाद में उसमें से क्या चिट कलेक्ट करेंगे, और जितने 100 पर्सन सेलेक्ट हो जाएंगे उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा होता है लॉटरी मेथड। और दूसरा एक टिपर टेबल दी हुई है, उसकी सहायता से हम डिजिट ले लेते हैं और उन डिजिट को हम निकालते हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? सैंपल निकाल सकते हैं। ये आपके दो तरीके हैं रैंडम मेथड में। परपोसिव मेथड में इसमें क्या होता है, जहाँ से आपको आसानी से डाटा मिल जाए, इसमें मतलब चॉइस होती है, जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है उसको जहाँ से आसानी से डाटा मिल जाए वहाँ से कर लेता है। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट पे रिसर्च करनी है, तो मैं टीच करवा रहा हूँ तो वहाँ के स्टूडेंट पे भी रिसर्च कर सकता हूँ, वो क्या होती है? परपोसिव। सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक में मतलब हम जो भी डाटा उठाएंगे वो सिस्टम के, जैसे 1000 है, 1000 को हमने सीरियल वाइज कर लिया, तो हमने जो डाटा उठाना है अब सिस्टमेटिक उठाएंगे। जैसे 5 रोल नंबर कर लो, 1000 पर्सन है तो 5 नंबर दे दिया सीरियल नंबर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस प्रकार। यानी कि हम सिस्टम से चल रहे हैं कि पहले 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी कि सिस्टमेटिक कोई भी सिस्टम अपना सकते हो, 1, 3, 5, जो भी आपने जैसे भी डाटा कलेक्ट करना है, ये सिस्टमेटिक होता है। और ये तीन मेथड हैं, इससे हम वो कर सकते हैं। अब दोबारा समझ लो, कल हमने जो बात की थी इकोनॉमिक्स में वो की थी, यानी कि सोर्सेज ऑफ, आपको दो सोर्स बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी आपको बताया था, जब ओरिजिनल डाटा पहली बार कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी सोर्स होता है, और सेकेंडरी सोर्स जो मतलब डाटा पहले से कलेक्ट किया हो। तो इसके लिए हम जब इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो दो मेथड अप्लाई करते हैं, एक सेंसिस मेथड होता है, एक सैम्पलिंग मेथड होता है।
सेंसेन मेथड में जब आपने 1000 पर्सन पे स्टडी करनी है तो 1000 पर्सन का ही डाटा आप कलेक्ट करोगे, ये सेंसेन मेथड है। और इसमें टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगती है और रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं क्योंकि आप हर पर्सन पे स्टडी कर रहे हो। लेकिन ये मेथड हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ता है, सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है। सिंपल एग्जांपल है, जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं बाज़ार में, आपको पता है आपने मटर लेने हैं किलो, तो आप क्या करेंगे, एक दो मटर है उसमें सेलेक्ट करके और वो आप खा के देखते हो कि उसका टेस्ट कैसा है, उसके बिहाव पे आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि जो हम लेके जाएंगे वो चीज़ सही है। इसी प्रकार मिठाई लेने जाते हो तो मिठाई को आप चेक करते हो, उसके बिहाव पे आप उसको मिठाई को लेते हो, तो ये सैम्पलिंग मेथड है। ये रैंडम मेथड में मतलब इक्वल चांस है कि एक ट्रे में मतलब बर्फ़ी पड़ी है, आप दुकान में जाते हो तो आप वहाँ से कोई भी पीस उठा लेते हो, वो होता है इक्वल चांस यानी कि रैंडम मेथड। तो उसमें से आप क्या है, कोई भी बर्फ़ी उठा सकते हो, इक्वल चांसेस होते हैं और उसको आप टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए हमने लॉटरी मेथड और ये बताए थे। प्रपोसिव मेथड में आसानी से कन्वीनियंस बोला जाता है, यानी कि जहाँ से उसे आसानी से वो डाटा मिल सकता है वहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं प्रपोसिव मेथड। आगे है सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक में मैं आपको बताया था एक सिस्टम होता है, उसके तहत हम क्या करते हैं, डाटा अरेंज किया जाता है। कल जो दो मेथड है दो हम वो करेंगे, उसमें एक कोटा मेथड है आपको बता देता हूँ और एक स्टेटा है या क्लस्टर है वो पता चल जाएगा। कोटा में क्या होता है, कोटा फिक्स होता है, जैसे हम कह देते हैं कि 1000 पर्सन है, उसमें से अलग अलग कैटेगरी है, यानी कि मान लो कि 500 हैं वो यंग हैं, 300 चिल्ड्रन हैं और 200 क्या हैं, ओल्ड पर्सन हैं। तो इसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि इसके 10% होने चाहिए, इसके भी 10% होने चाहिए, इसके भी 10% होने चाहिए। जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे, इसमें 50, इसमें 30, इसमें 20, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ये आपके दिया हुआ है बुक्स में भी। और स्टेटाफाइड में हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर से ही क्या करते हैं, जो हम जो सैंपल को कलेक्ट करते हैं। और इस प्रकार ये हमारे सैंपलिंग मेथड हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, बहुत बार पूछा जाता है, आगे एमए भी करोगे, बीए भी करोगे, वहाँ पे भी सैंपलिंग मेथड आता है जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जहाँ हमारे अलग अलग नाम से इसके हैं कि कईयों में बीकॉम में होता है वो मैथ भी होता है, कईयों में स्टैटिक्स वर्ड यूज़ कर देते हैं, कईयों में क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ भी क्वांटिटी एनालिसिस में वहाँ भी ये टॉपिक दिए होते हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप ये वीडियो बार बार देखते रहिए, जब तक आपको इसमें और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं आपको कोई हो। आज अकाउंटेंसी में हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे। पहले हमें बताया था ओनली जब कैश आता है तो हम डेबिट करते हैं, जब कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं। ये नियम आपने याद रखना है। इसके बाद अगर कैश की जगह बैंक, अगर हम बैंक से ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करने हैं बैंक के थ्रू करते हैं, तो कैश की जगह बैंक वर्ड यूज़ हो जाएगा, बाकी सेम एंट्री वहीं रहेगी। जैसे हम क्या करते थे, माल खरीदने के लिए परचेज अकाउंट DR डेबिट करते थे और टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट किया जाता था। अब कैश की जगह क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट कर दोगे, बाकी एंट्री सेम रहेगी। अगर हम उधार खरीदते हैं, उधार को या अपने इंग्लिश में क्रेडिट बोला जाता है, जब क्रेडिट परचेज की जाती है तो और कुछ नहीं करोगे, परचेज और नेम आ जाएगा। कैश की जगह आप क्या करोगे, नेम वर्ड यूज़ करोगे, अगर नगद करते हो तो कैश वरना नेम। इसी प्रकार सेल में पैसा आ रहा है तो नेम अकाउंट आ जाएगा कैश की जगह और टू सेल अकाउंट। ये चीज़ें आप याद रखोगे।
हम इसमें अब डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। दो तरह की डिस्काउंट होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड नाम से पता है, व्यापारिक छूट बोलते हैं, और कैश डिस्काउंट को नगद छूट। व्यापारिक छूट का मतलब जब हम परचेज या सेल करेंगे, परचेज या सेल करते हैं उसी टाइम हमको क्या मिलती है, छूट मिलती है। जैसे आप 1,000 रुपये MRP है तो हमें कह देते हैं कि आप खरीदोगे तो 20% क्या है आपको डिस्काउंट मिलेगी, वो ट्रेड डिस्काउंट होती है। उसकी हम अलग से एंट्री नहीं करते, एंट्री सेम रहेगी, परचेज अकाउंट DR टू कैश खरीदा है तो जितने में खरीदा है, तो 1,000 है, 20% काट के जो एंट्री होगी वो 800 की होगी, क्यों 1,000 का जो 20% बनेगा वो 200 रुपये बनेगा और ये 800। इसी प्रकार कैश डिस्काउंट नाम से ही पता चल रहा है, नगद छूट, जब आप कैश पेमेंट देते हो। याद रखना, परचेज मान लो आपने उधार खरीदा था पहले, अब कैश पेमेंट दे रहे हो साथ के साथ, वो टाइम दे देता है आपको, इतने दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो या साथ के साथ आप कैश पे कर देते हो, तो कैश और आपको क्या मिलेगी, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंट प्राप्त हो रही है तो रिसीव्ड। इससे हमें कैश कम देना पड़ेगा और इसलिए हमें इसको क्रेडिट साइड लिखना होता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये हमेशा एंट्री में याद रखना। जैसे 800 है, अब इस पे 3% अगर छूट है तो कितनी हो जाएगी, 24 पे छूट हो जाएगी, और परचेज में 800 और बाकी जो जितना रहेगा 70, 76, वो आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ये डिस्काउंट वाली एंट्री हैं, जो एंट्रियाँ हैं ये थोड़ी सी यानी कि समझने में एक बार डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन जैसे जैसे बार बार आप करोगे इसको, आप क्या करो, सिंपल यानी कि शॉपकीपर खुद को मान के या खुद को कस्टमर समझ के आप इसको एंट्री को करके देखो, फिर आपको समझ आ जाएगी। सिंपल है, सिंपल आपको पहले कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन में हम सिंपल, जैसे आप 1,000 रुपये के शूज़ लेने जाते हैं और दुकानदार हमें 20% लेस पे देता है, तो दुकानदार जो आपको बिल काट के देगा वो कितने का होगा, 800 का। हम तो क्या है, एक पीस या दो पीस लेके आएंगे, लेकिन जो बिज़नेस आपस में डील करते हैं वो बहुत सारे पीसीज को लेके डील करते हैं। जैसे 1,000 शूज़ खरीदने हैं तो उनके लिए स्पेशल ऑफ़र दिया जाता है, वो कहते हैं कि आप नगद दे दोगे तो आपको हम इसमें और छूट दे देंगे, जैसे 3% छूट दे देंगे, तो 800 में से 3% 24 लेस हो जाएंगे, 70, 76 के पर पीस वो उनको लगेगा। ये आपने बस कैलकुलेशन करना सीखना है, इसके बाद आपको इस पे बहुत कुछ है जो जो इसके बारे में समझना आ जाएगा। बिजनेस स्टडी में आज हम जो आपका कल बिजनेस की फॉर्म बताई थी, सोल ट्रेड के बारे में बात करेंगे और पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आगे आपके अकाउंट में भी पार्टनरशिप काम आएगी। सोल ट्रेड, सोल मीन सिंगल होता है और ट्रेड मीन व्यापार होता है। जब पर्सन, सिंगल पर्सन के द्वारा व्यापार किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोल ट्रेड बोलेंगे। एकल व्यापार बोला जाता है हिंदी में, सिंगल पर्सन जब व्यापार करता है। इसके जो मेरिट्स होती हैं और डीमेरिट्स होती हैं, मेरिट्स को हम गुण बोलते हैं जो फायदे होते हैं, और डीमेरिट्स को अवगुण बोला जाता है। पहली मेरिट्स में क्या होता है, इजी डिसीजन होते हैं, जो निर्णय है वो आसानी से लिए के जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सिंगल पर्सन होता है वो आसानी से डिसीजन ले सकता है। टोटल प्रॉफिट शेयरिंग उसका होता है,
जितना भी वो कमाएगा टोटल प्रॉफिट होता है। थर्ड, इजी फॉर्मेशन, बनाना आसान होता है। आपने बिजनेस करना है सिंगल, आप बिजनेस है दुकान खोलना चाहते हो तो सिंगल पर्सन आसानी से क्या है दुकान को ओपन कर सकता है। और सीक्रेट यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन है वो गुप्त रहती हैं क्योंकि वो अकेला होता है और वो इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखता है। ये इनकी मेरिट्स है मेन। डीमेरिट्स में क्या आएगा, जो रॉन्ग डिसीज़न, अकेला पर्सन होता है कई बार वो डिसीज़न क्या है रॉन्ग ले लेता है। और लेस कैपिटल, जो उसके पास पूंजी क्या होती है कम होती है, और यानी कि उसकी डेथ होने के बाद वो व्यापार भी क्या हो जाता है बंद हो जाता है। ये इसकी क्या है मेन डीमेरिट्स है जो हम सोल ट्रेड में पढ़ेंगे। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में आपको बताया था टू और मोर पर्सन होते हैं जो आपस में मिलके क्या करते हैं व्यापार करते हैं, और इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से फिक्स होती है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टू और मोर पर्सन होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं। इसमें क्या होता है मेरिट्स और डीमेरिट्स की जब हम बात करेंगे, इजी फॉर्मेशन होती है, डिसीज़न करेक्ट लिए जाते हैं क्योंकि आपस में दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं वो आपस में यानी कि डिस्कस करके जो डिसीज़न लिया जाता है। थर्ड, कैपिटल, जैसे सोल ट्रेड की अपेक्षा एक पर्सन होता है उसके पास क्या कैपिटल है वो लेस होती है, लेकिन इसमें टू और मोर पर्सन होते हैं तो वो कैपिटल है वो इजी अरेंज कर लेते हैं। ये मेन इसकी क्या है मेरिट्स है। जब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे तो ये चीज़ है क्योंकि इसमें जो कैपिटल है वो ज़्यादा नहीं होती, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10%, कई कम पार्टनरशिप है वहाँ पे 20% बस इतने ही हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा जो पैसा है हम अरेंज नहीं कर सकते। और अगर टू ही पर्सन है उसमें से एक की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप क्या है अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें आपको थोड़ी इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, मेन जो जो इनका मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको यही मिलेगी जो पार्टनरशिप में है। कल आपको जो हमने बताया था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आपको बताया था जहाँ डाटा पहली बार ओरिजिनल सोर्स बोलते हैं, जहाँ से डाटा पहली बार कलेक्ट किया जाता है उद्गम स्थान बोलते हैं। उद्गम स्थान मतलब जहाँ पे डाटा पाया जाता है वहीं से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी में डाटा पहले से कलेक्ट होता है जो आपको लिया जाता है, और इसमें बताया था आपको जो डाटा होता है हमारा एक्यूरेट होता है लेकिन टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन सेकेंडरी में डाटा है जो वो उसको चेंज करना होता है अपने अकॉर्डिंग, इसमें टाइम और कॉस्ट क्या होती है कम होती है। प्राइमरी डाटा में जब हम करेंगे इसके हैं दो मेथड मेन है, वैसे तो तीन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और लोकल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट मेथड में हम फेस टू फेस जाके उसके सामने जाके जो डाटा है वो अरेंज करते हैं, जैसे घर घर जाके हम डाटा अरेंज करेंगे वो हमारा क्या होगा डायरेक्ट मेथड। जब इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं हम यानी कि क्वेश्चनेयर के थ्रू भेज के सेंड करके या फोन पे या वहाँ पे जो उनके रिलेटिव वगैरह है वहाँ से हम कर सकते हैं। थर्ड है लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन में हम वहाँ के जो नज़दीक के लोग रहते हैं वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे आप किसी गली में जाओ और गली पे जो पहला घर है
वहाँ पे बैठ के उस सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, उस गली के बारे में कितने सदस्य हैं, वो सारी चीज़ वो लोकल इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है। और सेकेंडरी में जब हम करेंगे, वहाँ पे पब्लिश और अनपब्लिश डाटा आता है। जब हम बात करेंगे पब्लिश डाटा है, पब्लिश डाटा वो होगा जो पब्लिश कर दिया जाता है, मतलब जो डाटा कलेक्ट करके और पब्लिश कर दिया जाता है, प्रकाशित बोलते हैं, कर दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं वो पब्लिश कर देती हैं, या जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो भी डाटा पब्लिश कर देते हैं जब उनकी रिसर्च हो जाती है। और अनपब्लिश डाटा, जो डाटा कलेक्ट हो चुका है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आपने कोई क्रिमिनल यानी कि देखना है रिकॉर्ड, तो आप क्या है वहाँ पुलिस चौकी में जाके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है चेक कर सकते हो कि कितने क्राइम हुए हैं। वो सारा अनपब्लिश होता है कई बार, कि उन्होंने कलेक्ट किया था लेकिन कहीं पब्लिश नहीं किया था पब्लिक को। तो ये चीज़ है, ये हमारा मेन टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा है। ईजी टॉपिक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो किन मेथड से होता है और कौन कौन से तरीके हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दो हैं, उसके बाद हम इन वेज से ये क्या है कलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है प्लस वन का, तो आपको बेसिक मैं बता रहा हूँ अकाउंटेंसी के बारे में। जब भी हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे तब हम ट्रांजैक्शन पे ध्यान देंगे। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होता है, और अकाउंट में जो भी लेन देन करते हैं वो हम सारे मनी फॉर्म में करते हैं। ये इसका मेन प्रिंसिपल भी है कि जब भी हम अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, जो भी लेन देन है, उनको ही रिकॉर्ड करेंगे जो मनी फॉर्म में होते हैं। पहली बात आपने ये याद रखनी है। और अकाउंट्स हर कंपनी, हर फर्म, हर स्कूल और हर जगह बनाए जाते हैं। इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, मेनली रिकॉर्ड उनका रखा जाता है जो पैसा यानी कि मनी हमारे पास आता है उन ट्रांजैक्शन का, और जिनसे पैसा जाता है उन ट्रांजैक्शन का। और इसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आप अपनी बैंक की पासबुक देख सकते हो, उसमें दो साइड दी होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और हमारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का, जिससे शो होता है कि बैंक से हमने पैसा लेना है। जब भी पैसा जमा करवाया जाता है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब पैसा निकाला जाता है तो वो डेबिट साइड में जाता है। ये हम जो बैंक की पासबुक है उसके थ्रू देख सकते हैं। तो आपने अकाउंटेंसी में सिंपल बेसिक एक नियम याद रखना है, जब हम कैश जो पैसा है आता है तो उसको डेबिट करना है, और जब कैश जाता है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। ये बेसिक नियम है जो हम कहते हैं कि अकाउंटेंसी का मूल मंत्र है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैश आ रहा है तो आपने डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो आपने क्रेडिट करना है। इसको आपने ध्यान में रखना है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, याद रखना परचेज और सेल वर्ड तभी यूज़ होगा बिजनेस में जब आप जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो उस गुड्स से रिलेटेड ही आप ट्रांजैक्शन करते हो, तब हमने परचेज और सेल वर्ड यूज़ करना है। एग्जांपल के रूप में आप कपड़े की दुकान कर रहे हो, क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ से रिलेटेड जितने भी आप अगर खरीद रहे हो तो परचेज बोलोगे, और बेच रहे हो तो सेल वर्ड यूज़ करोगे। क्लॉथ की जगह आप परचेज और सेल वर्ड यूज़ करोगे। आपको पता है पर जब आप परचेज करते हो तब पैसा आपसे जाएगा, और जाता है तो आपको क्या करना है क्रेडिट। और इसमें लिखने का तरीका है जो हम इसमें आपको बता रहा हूँ। डेबिट करने के लिए परचेज अकाउंट होगा, वो आप डेबिट करोगे कि आप माल खरीद रहे हो, तो इसलिए एक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और टू कैश नगद खरीद रहे हो तो उसको क्रेडिट करोगे। आपने याद रखना है जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हो
तो आप दो साइड करते हो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, जब कैश आता है तो आपने डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करना है। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब आप माल खरीदते हो, यानी कि कपड़े की दुकान कर रहे हो और कपड़ा खरीद के ला रहे हो, तो आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, तो आपने कैश को क्या करना है, क्रेडिट। और क्रेडिट लिखने के लिए यहाँ पे टू कैश अकाउंट वर्ड यूज़ किया जाता है। और आप कपड़ा खरीद रहे हो, आपको बताया क्लोथ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, उसको आप डेबिट करोगे, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन करते हो उसमें एक अकाउंट को डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। कैसे, एक आदमी के पास पैसा आ रहा है तो दूसरे आदमी से क्या है, पैसा जा रहा है, इसलिए एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट। इसी प्रकार सेल की जब ट्रांजेक्शन करते हो, सेल का लेन देन करते हो, जब गुड्स बेचते हो तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो आप क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट करोगे और टू सेल अकाउंट करोगे। ये आपकी यानी कि पैसे आने की, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है आपने क्या करना है, उसको डेबिट करना है, और दूसरा अकाउंट किससे वो आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, कपड़े को बेच रहे हो, इसलिए कपड़ा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, आप क्या करोगे, सेल वर्ड यूज़ करोगे। ये हमने अकाउंटेंसी में जो बेसिक बातें हैं उनको ध्यान रखना है। इसमें हम बिजनेस स्टडी के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका। बिजनेस स्टडी में जब हम बात करेंगे, आपको तीन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर इन तीनों को आपने समझ लिया तो आपके लिए बिजनेस स्टडी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, क्यों, आपका फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग ही है अभी, तो इन तीनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, प्रॉफिट मेन मोटिव होता है, और हम किसके द्वारा करेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि परचेज को हम बोल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग, सेल को, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस आपको पता है हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बिजनेस को किया जाता है। और बिजनेस में हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हम वस्तुओं को क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, मतलब उनको खरीदते और बेचते हैं। जब प्रोफेशन की बात आती है, प्रोफेशन को हम पेशा बोलते हैं और बिजनेस को हम हिंदी में व्यवसाय बोलते हैं। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, एग्जांपल जैसे लॉयर्स, वकील, टीचर, डॉक्टर, तो इनके लिए क्या है, एक स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको पता है स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है, और एक आपको सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफाइड एसोसिएशन बनी होती है, जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल बनी हुई है, टीचर्स के लिए बीएड प्रोफेशनल डिग्री करके बाद में आपको टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हो जब आप टेस्ट देते हो, और डॉक्टर के लिए मेडिकल एसोसिएशन बनी हुई है, वो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और इनके लिए स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है, ये प्रोफेशन के अंदर आते हैं। और इनका मेन मोटिव है, जो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्व द सोसाइटी, मतलब लोगों की सेवा करना इनका मेन मोटिव होता है जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इसको रोज़गार बोला जाता है, तो इसका मतलब एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, वन पर्सन है वो दूसरे पर्सन के लिए क्या करता है, वर्क करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलती है, सैलरी बोल सकते हो, वेजेस बोल सकते हो, ये यानी कि इसमें एक पर्सन है दूसरे पर्सन के नीचे, यानी कि उसके ऑर्डर फॉलो करता है और उसके लिए क्या क्या करता है, काम करता है, जिसको सैलरी और वेजेस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे टीचर है कोई, वो स्कूल में जॉब करता है, तो उसको क्या है, वो स्कूल के लिए काम कर रहा है और स्कूल जो है उसको, टीचर को क्या है, सैलरी प्रोवाइड कर रहा है।
ये मेन है जो बिजनेस स्टडी में आप ध्यान रखोगे, इतनी बात का। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। ये स्टार्टिंग है, आपने 9th और 10th में भी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हो, और आपको जो हमारी +1 की इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिक दो ही चीज़ें हैं। दो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो आप 10th क्लास में भी मीन मीडियन मोड उसके रूप में पढ़ चुके हो। और सेकंड पार्ट में इंडियन इकोनॉमी के बारे में आएगा, जो भी आप जो 10th की SS है उसमें कुछ कवर कर चुके हो, जिसमें आपने LPG, उदारीकरण लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में पढ़ा था। कुछ वो टॉपिक हैं, कुछ गरीबी के बारे में है, कुछ धारणीय विकास है जो आपने पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैटिक्स में क्या करना है, सिंपल आपने समझना है कि जैसे ए क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं। अब टीचर ने क्या करनी है, इन 30 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट तैयार करनी है, और जो स्टूडेंट है उनकी कंडीशन के बारे में पता लगाना है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो वो क्या करेगा, एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। टेस्ट के थ्रू वो बच्चों को कुछ क्वेश्चन देगा, और बच्चों को उनके क्या है, आंसर राइट करने होते हैं। उसके बाद वो टेस्ट में क्या देता है, उनको मार्क्स देता है। मार्क्स को क्या करेगा, रोल नंबर वाइज अरेंज करेगा और उन बच्चों को मार्क्स देगा। और उसके बाद हमने क्या है, अगर उनकी एवरेज निकालनी है, बच्चों की एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का आपको पता है कि जितने भी मार्क्स होंगे उनको क्या है, आप एग्रीगेट मतलब उनका टोटल कर लोगे, और अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, और हम बता सकते हैं क्लास में जो टोटल एवरेज मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। इसके लिए हमें अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्लास का जो रिज़ल्ट है वो हम एवरेज मार्क्स के आधार पे बताते हैं। ऐसे जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो भी हम एवरेज के आधार पे बताते हैं। जब आपसे कोई 10th क्लास के मार्क्स पूछता है तो हम कहते हैं कि 70%, 80%, वो क्या होते हैं, हमारे इंडिविजुअल स्कोर नहीं होते। इंडिविजुअल का मतलब हर सब्जेक्ट के स्कोर नहीं होते, वो ओनली हमारे एवरेज को बताता है कि हमारे टोटल इतने परसेंट हैं, यानी कि इतनी एवरेज है हमारी 70 या 80%। ये हमने फर्स्ट बुक के अंदर करना है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और किस प्रकार आगे उनसे चार्ट वगैरह भी तैयार होते हैं, जो हमने बार डायग्राम, पाई चार्ट बताए थे वो, और मीन मीडियन मोड ये कुछ चीज़ें हैं वो हमने जो फर्स्ट बुक है स्टैटिक्स में करनी है। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुक है, इंडियन इकोनॉमी में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, इंडियन इकोनॉमी में हमने मेनली जो इंडिया की कंडीशंस है, इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशंस है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश में रोज़गार कितना है, पॉवर्टी, हमारे देश में गरीब लोग कितने हैं, हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, और इंडिया का हमने कंपेयर करना है किसके साथ, आपकी बुक में ओनली पाकिस्तान और चाइना के साथ कंपेयर किया हुआ है जो सेकंड बुक में है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, और इसको आप बार बार सुनना, ताकि आपको ये बातें आसानी से समझ आ जाए। आज की वीडियो में हम अकाउंटेंसी के दूसरे एस्पेक्ट मतलब दूसरे रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो कल आपको वीडियो में बताया था, जैसे हम अकाउंटेंसी में जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो एक नियम आपने याद रखना है, जब कैश आता है तो आपने डेबिट करना है, और कैश जाता है, आपसे जा रहा है, तो आपने क्रेडिट करना है। और इसको हम एंट्रियों की हेल्प से कर
कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ये नियम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन हम इस नियम से करने से पहले हम कल ने एक प्रिंसिपल की आपसे चर्चा की थी, आपको बताया था हम उन्हीं एंट्रियों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है, हमें उन्हीं लेन देनों का जब उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा नियम है वो भी इजी है, उसमें बस हमें ये समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी है, जो ओनर और फर्म, जो भी हमारा बिजनेस है, वो दोनों अलग पर्सन है, टू डिफरेंट पर्सन है। जैसे जैसे आप स्टडी करोगे आपको पता चल जाएगा, जो ओनर है वो नेचुरल पर्सन होता है और जो हमारी फर्म होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इसको जो मान्यता प्राप्त करता है वो हमारे कोर्ट यानी कि न्यायालय सिस्टम, लीगल सिस्टम है जो हमारा, वो उसको एक पर्सन मानता है, क्योंकि ये जो फर्म और बिजनेस है उसका हमारे जो हम हैं बिजनेस है वो हमारे ऊपर केस कर सकता है और हम बिजनेस के ऊपर केस करते हैं। जब हमारी बिजनेस या फर्म है ख़त्म होने वाला होता है, एंडिंग डिसोल्यूशन करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं जब बिजनेस का, तब जब पैसा जो वापस किया जाता है, सबसे पहले बाहरी लेनदार जो होते हैं, सिक्योर लेनदार होते हैं, क्रेडिटर, उनको पैसा वापस किया जाता है। उसके बाद है जो ओनर होते हैं उनको सबसे लास्ट में जो पैसा दिया जाता है। इसलिए ओनर और बिजनेस हैं दोनों अलग पर्सन होते हैं, और हमारे अकाउंटेंसी का रूल है जितनी हमारी असेट्स होती हैं, संपत्तियाँ होती हैं, उतनी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ होता है, असेट्स हमारी संपत्तियाँ होती हैं, जैसे फर्नीचर, स्टॉक जो हमारा माल होता है, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, डेटर जो हमारे देनदार होते हैं। इसी प्रकार लायबिलिटीज़ में जो हमारा बैंक लोन होता है और जो ओनर ने पैसा लगाया होता है, ओनर्स की कैपिटल होती है वो, और भी चीज़ें आएंगी जो हमारी लायबिलिटीज़ में आती हैं। इसलिए याद रखेंगे असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होते हैं। शुरू में जो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी जर्नल में वो ये है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कैश लगा के, तो जो हमारा कैश होता है वो हमारी असेट्स होती है। और याद रखना असेट्स को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, क्योंकि फर्म के पास क्या है, कैश आ रहा है, तो आपको बताया था कैश क्या होगा, डेबिट, तो कैश अकाउंट टू डेबिट। लेकिन ये कैश है वो फर्म की क्या बन जाता है, लायबिलिटीज़ बन जाता है, और लायबिलिटीज़ हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारी संपत्ति है उनको डेबिट किया जाता है और जितने भी दायित्व होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। तो कैश को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कैपिटल में। क्यों, याद रखना जो भी पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए लगाते हैं, वो हमारी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो पूंजी बन जाता है व्यापार की। और इस पे क्या है, पूंजी पर क्या है, ब्याज दिया जाता है। बिजनेस है वो इंटरेस्ट देता है, इस पे किसको पे करेगा, जो ओनर होते हैं, जो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या है, ब्याज दिया जाएगा। पहली एंट्री ये है, हमेशा जब भी करोगे कैश काउंट या टू कैपिटल। यहाँ अगर कैश है तो कैश आ जाएगा, नहीं तो और असेट्स दी हों आगे आप करोगे, जैसे जैसे एंट्री कैश के अलावा फर्नीचर दिया होगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा, स्टॉक दिया होगा वो भी डेबिट हो जाएगा। कल आपको हमने परचेज और सेल के बारे में बताई थी, जब भी हम किसी चीज़ का व्यापार करते हैं तो जो माल खरीदेंगे उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, और जो माल बेचते हैं उसके लिए हमेशा सेल वर्ड यूज़ करते हैं। और आपको बस इतना ही याद रखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो जब परचेज़ करते हैं तो पैसा जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट करते हैं, और जब सेल करते हैं तो पैसा आ रहा हो तो इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और सेल को हम क्रेडिट करते हैं। ये जर्नल एंट्री का रूल है। अब जब हम जो हमने माल परचेज़ किया है उसको हम वापस कर देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न,
और जो हमने माल सेल किया था, ग्राहक हमें अपना वो माल वापस कर देता है, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। इन दोनों केस में अपोजिट एंट्री होगी। जब हम माल नगद किया है तो कैश काउंट डीआर उल्टा हो जाएगा टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमारे पास पैसा वापस आ जाएगा जब हम जो माल खरीदा है वो वापस कर देंगे, और जब जो माल हमने बेचा था ग्राहक को वो वापस कर देगा तो हमसे पैसा चला जाएगा, तो सेल रिटर्न, और पैसा चला जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो कैश आ जाएगा। ये हम इसमें ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो याद रखना, आपको बताया कि ओनर और फर्म है जो दोनों सेपरेट पर्सन है। ओनर है वो नेचुरल पर्सन होता है, फर्म होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, और दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई भी पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलते हैं हिंदी में, इसको आहरण बोलते हैं, यानी कि जो पैसा निकाला जाता है उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग वर्ड यूज़ किया जाता है अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए। और जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, याद रखना जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा जो पैसा है वो जाता है, इसलिए जो कैश वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। इसलिए जितनी भी इनकम है, जो भी हमें इनकम रिसीव होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि इनकम से हमें पैसा आता है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और जितनी भी इनकम है वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। ये मेन बातें हैं जो हम करेंगे अकाउंटेंसी में। आपने ध्यान रखना है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यही बातों का ध्यान रखना है, कैश आ रहा है या जा रहा है वो हम करेंगे। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जो उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाद में ओनर और फर्म, याद रखना ये प्रिंसिपल भी है कि दोनों सेपरेट अलग अलग व्यक्ति होते हैं और इसलिए दोनों को अलग माना जाता है। ओनर जो शुरू में पैसा लगाएगा, कैश है वो बिजनेस को दे रहा है, तो वो बिजनेस का क्या बन जाएगा, दायित्व बन जाएगा, और जो कैश आया है वो संपत्ति होती है, और असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमेशा बराबर होते हैं। परचेज और सेल के बारे में कल बता दिया था, जब हम जिस चीज़ का व्यापार करते हैं अगर उस चीज़ को खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, उस माल को बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे। अगर जो हमने माल खरीदा है उसको वापस कर देंगे तो परचेज रिटर्न होगा, और जो ग्राहक को बेचा गया माल हमारे पास वापस आ जाता है वो सेल रिटर्न होता है। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। और एक बताया था ओनर और फर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए ओनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई भी पैसा निकालेगा उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ये बात का आप ध्यान रखोगे। बिजनेस में जैसे कल हमने डिस्कस किया था, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिजनेस होता है जो हमारा अर्न प्रॉफिट के लिए होता है, जो हम लाभ को अर्जित करते हैं। क्या कैसे? बिजनेस में आपको पता है कि हम वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, मतलब क्रय विक्रय करते हैं, और उससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। प्रोफेशन के लिए आपको बताया था, आपके लिए पास एक नॉलेज, स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, उनके पास। और एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं और उससे हमें सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं, वो मिलते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ट्रेड होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, जिसको हम व्यापार बोलते हैं। इसमें गुड्स, वस्तुओं और सेवाओं का जो है लेन देन किया जाता है, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मेन इंडस्ट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल को, जो हमारा कच्चा माल होता है उसको किस में तैयार करती है, फिनिश गुड्स, जो तैयार माल होता है, कच्चे माल को तैयार माल में, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है उसको तैयार माल में। एग्जाम्पल के लिए जैसे गन्ना है, उससे हम चीनी तैयार करते हैं, ये हमारी इंडस्ट्री पर्पज़ है। और जब हम कॉमर्स में करते हैं
तो कॉमर्स में हम माल बनाने से लेके वितरण तक की सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। जब हम माल तैयार करते हैं वहाँ से लेके और वितरण करते हैं, माल को पहुँचाते हैं दूसरों तक, वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है। कॉमर्स में हम जब बात करेंगे ट्रेड और एक्सिलरी ऑफ ट्रेड की बात करेंगे। व्यापार की और व्यापार में जो सहायक क्रियाएं होती हैं, आपको पता है व्यापार को सहायक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बैंकिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि बैंक हमें लोन देता है, इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन करती हैं ऐड देती हैं उनकी ज़रूरत होती है। इस प्रकार ये सर्विसेज हैं जो व्यापार में हेल्प करते हैं। और आज हम बिजनेस के जो मेन यानी कि बिजनेस की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन आपकी ये आपको ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको बिजनेस स्टडी है वो इजी लगे। फॉर्म्स में पहला होता है सोल ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं एकल व्यापार, जो हमारे नॉर्मल शॉपकीपर होते हैं जो गलियों में। एकल व्यापार का मतलब एक आदमी व्यापार करता है, जैसे हम सिंगल एक आदमी कोई शॉप करता है तो उसको सोल ट्रेड बोलते हैं। बाद में आ जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो हमारे खानदानी बिजनेस होते हैं। इसमें यानी कि फैमिली के सभी लोग मिलके वो व्यापार करते रहते हैं और इसमें करता है जो मेन होता है वो प्रबंध होता है, वही बिजनेस को संभालता है। थर्ड होती है कंपनी। कंपनी से पहले हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप आपको पता है टू या मोर पर्सन, दो या दो से अधिक पर्सन मिलके कोई फर्म बना लेते हैं और जो पर्सन होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं और जो फर्म होती है उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। कंपनी, कंपनी में क्या होते हैं बहुत सारे पर्सन होते हैं और कंपनी की एक स्टैम्प होती है और कानून की नज़र में ये लीगल पर्सन होता है, मतलब ये कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं कंपनी, जैसे रिलायंस टाटा ये सारी कंपनी है। और जिसके पास 51% शेयर होते हैं, याद रखना 51% जिसके पास हिस्सा होता है वो कंपनी का ओनर होता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करेंगे। इसमें भी वॉलेंट्री मेंबर होते हैं, कुछ पर्सन मिलके अपने मेंबर्स के लिए, मेन इनका जो मोटिव होता है अपने मेंबर्स की सहायता करना होता है। जैसे गांव में सोसाइटीज़ बनी होती हैं फार्मर को लेके, वो फार्मर के लिए जैसे मान लो 10 पर्सन है वो आपस में मिलके पैसा इकट्ठा करके बीज लेके आते हैं, जो यूरिया वगैरह है जो स्प्रे वगैरह है वो सारे ले आते हैं, उनको क्या कम रेट पे ये चीज़ें मिल जाती हैं और वो आपस में बांट लेते हैं। और किसी किसान को यानी कि उनमें से किसी को ज़रूरत हो तो उसको कम रेट पे क्या है पैसा प्रोवाइड करवाते हैं और गवर्नमेंट भी क्या करती है इनकी हेल्प करती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी। ये हमारे बिजनेस की जो फॉर्म्स हैं इनके ज़रिए हम जो व्यापार को है वो बढ़ा सकते हैं यानी कि व्यापार कर सकते हैं। ये बिजनेस है कि इस अब किसी पर्सन को अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसके पास ये ऑप्शन है, वो इन ऑप्शन को अडॉप्ट करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जो उसे अच्छा लगे। और यही हमने बिजनेस स्टडी में पढ़ना है, आगे इन पे ही चैप्टर हैं और जो बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और यही बिजनेस स्टडी आपकी बिल्कुल सिंपल है, जो +1 की बिजनेस स्टडी है। अब इकोनॉमिक्स में कल हमने बात की थी जो स्टैटिक्स के बारे में बात की थी, सांख्यिकी बोलते हैं, जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं 6-7 क्लास से ये स्टार्ट हो जाती है। जब हम बार डायग्राम बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं और जो हम टैली बार्स बनाते हैं, ये आपको 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में मिलने को मिल जाती है। कल जैसे एग्जांपल दिया था, एक टीचर है उसने
अपनी क्लास का रिजल्ट पता लगाना है तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट से उनको कुछ क्वेश्चन बोलेगा और वो आंसर राइट करेंगे और बाद में उनको क्या है मार्क्स देगा, और सभी मार्क्स को एग्रीड करके जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे वो एवरेज निकाल सकता है, और सभी को जैसे प्रिंसिपल कोई उससे पूछता है तो वो बता सकता है कि बच्चों के कितने मार्क्स हैं। जैसे आप 10th क्लास का रिजल्ट आएगा तो आप जो आपने एग्रीगेट मार्क्स ही बताते हो, एवरेज ही बताते हो कि हमारे 70% है 80% है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपके 40 हों, किसी सब्जेक्ट में आपके 100 भी हों, तो लेकिन आप इंडिविजुअल नहीं बताते यानी कि एवरेज ही बताते हो। जब हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे इसमें दो मीनिंग है इसके, एक प्लूरल मीनिंग है और एक सिंगुलर है। प्लूरल को हम बहुवचन बोलते हैं और सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं। जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ फैक्ट आएंगे, यानी कि हम जब भी संख्या की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं। एक तथ्य को हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे और इसमें हम नंबर्स जितने भी फैक्ट्स होंगे उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं लिख सकते कि वो आदमी बड़ा है छोटा है, हम उसका हाइट लिख सकते हैं कि वो 5'3" है, वो 5'4" है, छोटा या बड़ा वर्ड यूज़ नहीं होता। और एक्यूरेसी है वो बहुत ज़रूरी होती है, और इसमें जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो एवरेज होते हैं, और ये मेन बातें आ जाती हैं इसमें जब हम प्लूरल की बात करते हैं। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसमें पहला कलेक्शन ऑफ डाटा आएगा कि आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हो, फिर बाद में डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हो, और बाद में उनको एनालिसिस आ जाएगा, विश्लेषण कैसे करते हो, ये बातें आ जाती हैं जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। और बाद में आपके जो आपने 10th में पढ़ा है मीन मोड मीडियन इसके बारे में है, और इनसे रिलेटेड 2-3 चैप्टर और हैं, ये आपकी जो फर्स्ट बुक है वो है। इसमें हम आज आपको बताएंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे। जब भी डाटा है, डाटा आपको पता है क्या हो सकता है, नंबर हो जाते हैं, अल्फ़ाबेट हो जाते हैं, ये चीज़ मिलके क्या बनाती है डाटा, और सिंबल हो जाते हैं। जैसे आप ईमेल आईडी लिखते हो उसमें नंबर भी यूज़ करते हो, अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हो और सिंबल भी यूज़ करते हो, तो वो एक तरह का क्या है डाटा फॉर्म में है। और डाटा फॉर्म में मतलब इसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनसे जो हमें सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो एक स्कूल है, वहाँ पे जब रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं तो इसमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, लेकिन वो डाटा हो गया। लेकिन जब जो इंग्लिश का टीचर है उसे ओनली इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो वो क्या बनेगी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो उनको रिज़ल्ट कोई क्या करेगा एनालिसिस करेगा, उसे और सब्जेक्टों के रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं होता, मतलब उसे ओनली अपने सब्जेक्ट के ही मार्क्स चाहिए और उसके बेस पे ही वो रिज़ल्ट प्रिपेयर करता है, वो हमारा हो जाएगा। अब डाटा है जो दो प्रकार का हो जाता है जो कलेक्शन करते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक को बोलते हैं प्राथमिक, दूसरी को बोलते हैं द्वितीय। प्राथमिक डाटा वो होता है जो हम पहली बार इकट्ठा करते हैं ओरिजिनल सोर्स से, और सेकेंडरी होता है जो डाटा पहले से इकट्ठा किया होता है। सिंपल एग्जांपल है, आपने एक गांव के टोटल पॉपुलेशन का पता करना है, जब जितने वोटर हैं उसका पता करना है कि कितने लोग हैं जो गांव में उनका वोट बना हुआ है यानी कि वो मतदान कर सकते हैं। तो एक तरीका यही है कि आप हर घर में जाओगे और वहां जाके सदस्यों की संख्या पूछोगे और पूछोगे कितने अडल्ट हैं जिनकी एज 18 से ऊपर है और जिनका वोट बना हुआ है। तो ये आप हर गांव में जाओगे, मान लो 500 घर हैं तो 500 घर में जाके, हर घर में जाके आप क्या करोगे डाटा इकट्ठा करोगे, वो हमारा क्या होगा प्राइमरी, क्योंकि जहाँ पे डाटा है वहीं से जाके आप इकट्ठा कर रहे हो। इसमें क्या है टाइम और कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन एक्यूरेसी होती है, क्योंकि हर घर में जाके आप डाटा पता कर रहे हो तो एक्यूरेट डाटा आपको मिलता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से ही इकट्ठा होता है, जैसे आप
गांव में सरपंच के पास जाओगे, उसके पास जो वोटर लिस्ट होती है वहाँ से आप क्या करते हो, डाटा ले लेते हो, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। उसमें क्या है, टाइम और कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन वो पूरी तरह से एक्यूरेट मतलब नहीं कह सकते, हो सकते हैं कि कई वोट और जुड़े और वो लिस्ट पुरानी हो, ये सारा चीज़ हो सकती है। अब जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में बात करेंगे, इनके मेथड्स हैं और उनकी डीमेरिट्स और मेरिट्स के बात में बात करेंगे। इस चैप्टर में इतना है। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो क्वेश्चनेयर होती है। क्वेश्चनेयर आपको बता देते हैं, इसको प्रश्नावली बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रश्नावली में हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे होते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखते होते हैं जिसे भरना आसान हो जाए, और उसके बेस पे हम रिज़ल्ट निकालते हैं। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम फॉर्म भरते हैं, आपने फॉर्म भरे होंगे, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के फॉर्म होते हैं, री के फॉर्म, या कोई भी बैंक में भी जब हम खाता खुलवाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें फॉर्म होता है, वो एक तरह का क्वेश्चनेयर होता है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, पहले आपका नेम, फादर नेम, वो सारी चीज़ें होती हैं, और आप इन्फॉर्मेशन वाइज भरते रहते हो, और उसके बेस पे बाद में आपको बैंक अकाउंट ओपन होता है। उसी प्रकार क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चनेयर में वो क्वेश्चन लिखे जाते हैं जिसको आपका डाटा चाहिए। जो मेन इनका पर्पज़ होता है वो रिसर्च में यूज़ करते हैं, जब आप PhD वगैरह करते हो तो ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा दोबारा, वहाँ पे आपको क्वेश्चनेयर वगैरह तैयार करना सिखाएंगे, और कैसे आपको रिसर्च करनी है वो भी सिखाते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स में जो तीसरी बात करेंगे, इसमें दो मेथड हैं जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। एक होता है सेंसिस मेथड, जिसको जनगणना विधि बोलते हैं, और एक होता है सैंपल मेथड। जब हम सेंसिस मेथड की बात करते हैं, जनगणना विधि बोलते हैं और सैंपल मेथड, सैंपल आपको पता है कि जैसे कणक की एक बोरी होती है, उसमें से हम कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, मतलब थोड़ी सी अमाउंट में गेहूं निकाल लेते हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं। आप कहीं भी जाते हो, जैसे आपने मूंगफली भी खरीदनी है या मटर खरीदते हो, तो वो क्या करते हो, पहले सैंपल चेक करते हो। सैंपल का मतलब एक दो मटर उठा के आप चेक करते हो कि वो कैसे हैं, बाद में डिसाइड करते हो कि हमने मटर लेने हैं या नहीं। इसी प्रकार सेंसिस मेथड, जिसको जनगणना विधि बोलते हो, इस सेंसिस मेथड में क्या होता है, हर आइटम को चेक किया जाता है। यानी कि अगर आपने 100% पे स्टडी करनी है, 100 लोगों पे, तो 100 लोगों का आप क्या करोगे, डाटा इकट्ठा करोगे, और उसमें जैसे मान लो एक क्लास का रिजल्ट देखना है आपने, रिजल्ट क्लास में क्या है, 30 बच्चे हैं, तो आप 30 के 30 स्टूडेंट हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करोगे और चेक करोगे, वो हो जाता है आपका सेंसिस मेथड, और उसके आधार पे आप बताओगे कि क्लास का क्या रिजल्ट है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है क्लास, या निल है। दूसरा सैंपल मेथड है। सैंपल मेथड में आप क्या करोगे, सेंसिस में तो टाइम लग जाएगा, 30 स्टूडेंट, उनसे पूछना पड़ेगा, हर स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करोगे, उसके बाद सैंपल में क्या करोगे, आप 10 या 15 स्टूडेंट हैं उसको, यानी कि उनसे जो आप रिजल्ट लोगे, 10 स्टूडेंट भी ले सकते हो, 15 स्टूडेंट भी ले सकते हो, उसके आधार पे आप क्या निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे। जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी, आपकी रिजल्ट में एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। मान लो कि आपने 10 स्टूडेंट ले लिए, अगर उनको आपने पूछा खड़ा होके, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है, एवरेज स्टूडेंट हैं या इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इसके आधार पर जो रिजल्ट आते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते जितने कि सेंसिस मेथड में होते हैं। यही आपको इन मेथड्स में करना है, यही हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में है। बाकी इकोनॉमिक्स जो प्लस वन की है बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा बहुत यानी कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी, अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी देखोगे प्लस टू का, उसमें प्रोजेक्ट मेथड आता है। प्रोजेक्ट मेथड करोगे तो भी, उसमें परियोजना बोलते हैं प्रोजेक्ट को, तो भी ये चीज़ें आएंगी। और जब आप PhD करते हो या कोई भी सरकारी जॉब करते हो जहाँ पे आपने सर्वे करना है, सर्वे करोगे तो यही बातें आपको आएंगी, और उनसे बाद में रिजल्ट निकालना होगा, वो स्टैटिक्स का ही काम होता है। और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इनको जो वीडियो आपको दी जा रही है इनको ध्यान से सुनो और बार बार सुनो, ताकि ये सब्जेक्ट आपको आसानी से